नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर बिहार। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। पहली खबर है, राज्य में फिर डराने लगा कोरोना। पटना में एजी कॉलोनी बना हॉटस्पॉट, एक साथ तीन लोगों की हुई मौत, एक ही अपार्टमेंट में 10 से अधिक मिले संक्रमित। भागलपुर में 5 दिन में हुए 3 बम ब्लास्ट, एक बच्चा समेत 2 लोगों की मौत। अब एटीएस को सौंपी गई भागलपुर कांड की जांच। बिहार के सीतामढ़ी में गैस गोदाम के पास गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में लगी आग, 2 किलोमीटर तक इलाका हुआ सील। भागलपुर के सुल्तानगंज में 2 प्रेमी युगल में हुआ खटपट, युवक ने गंगा में लगाई छलांग, मौके पर ही डूबने से हुई युवक की मौत। प्रतिदिन जो है सैकड़ों यात्री यहां तीर्थयात्री आते हैं, यहां से जल लेके देवघर जाते हैं। घाट असुरक्षित है, नगर परिषद को घाट का बैरिकेटिंग, अस्थाई बैरिकेटिंग की व्यवस्था। बिहार में सख्ती बरतने के बाद भी 1 करोड़ का शराब हुआ जब्त। बांका जिला के पुलिस ने जांच के दौरान एक साथ विदेशी शराब से लदे 2 ट्रकों को किया जब्त, गाड़ियों के ड्राइवर व खलासियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। खगड़िया में एक जमीन के टुकड़े के लिए 2 गुटों में जमकर हुई लाठीचार्ज और ये मारपीट। परबत्ता प्रखंड इलाके के अगवानी पूर्वी टोला में हुई बाबा सिंधवास के सामने पड़ी जमीन को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई। खगड़िया में गांजा तस्कर पिता और पुत्र को किया गिरफ्तार, हालांकि वही एक शराब कारोबारी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। परबत्ता थाना इलाके में एसआई उमेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में गांजा और शराब तस्करी को लेकर अभियान चलाया गया था। समस्तीपुर में अपराधियों ने पैक्स अध्यक्ष की गला रेतकर हत्या कर दी। गुरुवार की आले सुबह उनका शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। हम आपको बता दें कि पैक्स अध्यक्ष विजय सीएसपी भी चलाते थे और सीएसपी के पास से ही उनका शव बरामद किया गया। वारदात के बाद से ही इलाके में आक्रोश है। मुजफ्फरपुर दरभंगा NH 57 पर एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटी। वहीं घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और ये हादसा गायघाट थाना क्षेत्र के बाबूबंडी चौक के पास घटित हुई। औरंगाबाद खेत में पटवन करने गए किसान की अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी। घटना डिबरा थाना इलाके के मुरारपुर गांव की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भी भेज दिया गया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। औरंगाबाद में ही करंट लगने से एक युवक की हुई मौत। घटना कुडुम्बा थाना क्षेत्र के सारी गांव की है। युवक अपने खेत में गया था जहां हाई वोल्टेज तार टूटकर गिरा हुआ था, वहां उसकी चपेट में आ गया और जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। आज से बैंक की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो चुकी है। इसके चलते देश भर के बैंकों का कामकाज बुरी तरह रहा प्रभावित। बैंकों के हड़ताल से बिहार में भी लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, आज बहुत सारे कोचिंग संस्थान में, बहुत सारे जगह में बैंकिंग के लिए तैयारी करते हैं, वो सारी जॉब खत्म हो जाएंगे। सरकार एक तरह से बैंकिंग का निजीकरण करके जॉब के अवसर को कम कर रही है और लोगों के जो अस्तित्व है उनको खत्म कर रही है। तो बिहार फटाफट खबरों में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ PR। धन्यवाद।